हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 5 न्यू थीम्स लेकर आ गया हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और मिनिमल थीम्स होने वाले हैं इस लिस्ट में, और सभी के सभी यहाँ पर MIUI 13 MIUI 14 कंट्रोल सेंटर के साथ आते हैं, बट यहाँ पर आपको मिनिमल चेंजेस ही देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट थीम की, तो आप देख सकते हो तो कुछ इस टाइप की एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है। एक मिनिमल लुक यहाँ पर होम स्क्रीन पर मिल जाता है। आप देख सकते हो तो आइकॉन्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, स्क्वायर शेप में मिल जाते हैं, और जो विजेट है एक मिनिमल लुक के साथ आता है। और बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो तो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर क्विक टॉगल्स के कलर चेंज हुआ है। बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का मिल जाता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप की वॉलपेपर के साथ आता है। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है वॉलपेपर। और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो ये जो विजेट है ये चेंज होता है। यहाँ पर दो विजेट्स दी गई है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्लीन एंड मिनिमल लुक के साथ आता है ये थीम। अगर आपको इस टाइप की मिनिमल थीम्स पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है ग्रीन हिल बाई डिजाइनर 19, और इसकी सही है 19.9 MB। अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे, जो कि कुछ इस टाइप के ग्रीन वॉलपेपर के साथ आता है। एक क्लीन होम स्क्रीन यहाँ पर मिल जाता है। आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के ट्रांसपेरेंट आइकॉन है, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको इस टाइप के मिनिमल आइकॉन्स पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। जो विजेट है आप देख सकते हो ये भी काफ़ी मिनिमल डिजाइन के साथ आता है। और बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड मिल जाता है, और यहाँ पर क्विक टॉगल्स की कलर ग्रीन कलर में मिल जाता है। देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के नोटिफिकेशन पैनल के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है। साथ में यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये भी ग्रीन कलर में है, तो काफ़ी अच्छी सेटिंग्स UI के साथ आता है ये थीम। और बात करें लॉक स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है। इसका जो लॉक स्क्रीन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं तो जो विजेट स्टाइल है वो चेंज होता है। यहाँ पर दो स्टाइल दी गई है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और सेकेंड विजेट में यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक कंट्रोल्स भी मिल जाता है। तो अगर आपको इस टाइप की थीम्स पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है मिस्टी फॉरेस्ट बाई डिजाइनर, भाई डिजाइनर का नाम आप खुद ही देख लो, प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसकी सही है 34.6 MB। थर्ड थीम की बात करें, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है ये थीम। और यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट आइकॉन्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और विजेट यहाँ पर सेम है जो कि लास्ट थीम में था। और बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर भी आपको मिनिमल चेंजेस ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो क्विक टॉगल्स है चेंज हुए हैं, और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का मिल जाता है। यहाँ पर ब्राउन कलर का टच देखने को मिलता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है चेंज हुआ है, और काफी अच्छा लगता है। बात करें लॉक स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक iOS इंस्पायर्ड लॉक स्क्रीन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। अगर आपको iOS इंस्पायर्ड थीम्स पसंद है तो ये आपको पसंद आ सकता है। और अगर हम यहाँ पर स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स एंड विजेट्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। तो भाई इस थीम का नाम है ऑटम इज मोर बाय DNS सिटी ऑफ द स्काई, और इसकी सही है 33.3 MB। अब आते हैं हमारे फोर्थ थीम पे, जो कि कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर एक डार्क ब्राउन बैकग्राउंड मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। आइकॉन्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की स्क्वेरिस आइकॉन्स मिल जाते हैं। और एक मिनिमल विजेट भी है होम स्क्रीन में। बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का टच देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर क्लियर बटन का कलर चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि होम स्क्रीन में डार्क बैकग्राउंड है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप का लगता है। आप देख सकते हो सेम ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है। और यहाँ पर जो विजेट है आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो जो विजेट स्टाइल है ये चेंज होता है, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो इस थीम का नाम है ऑटम मून बाई DNO-19 और इसकी सही है ओनली 8.8 MB। अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे जो कि है दैट नूली आइलैंड और इसकी सही है 19 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सी वॉलपेपर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है वॉलपेपर आप देख सकते हो। और आइकॉन्स यहाँ पर ट्रांसपेरेंट आइकॉन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर हम जाते हैं कंट्रोल सेंटर पे तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, ब्लू कलर का टच देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर नोटिफिकेशन और जो क्लियर बटन है ये ब्लू कलर में आते हैं। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन मिल जाता है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के एनिमेशन के साथ आता है ये लॉक स्क्रीन जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो आइकॉन से इन्हें हम हाइड भी कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एनिमेशन देखने को मिल रहा है इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, साथ में बबल और लिप्स का जो एनिमेशन है इसे भी हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और लॉक स्क्रीन को इस तरह से हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो भी लॉक स्क्रीन पसंद हो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये थे 5 MIUI थीम्स जिन्हें आप रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान signing out.